जो सूर्य किस दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य और पृथ्वी में कौन गतिमान है, सूर्य और पृथ्वी में पृथ्वी गतिमान है, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है, समस्यात्मक प्रश्न। बच्चों आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य का प्रकाश हमेशा आधे भाग पर ही पड़ता है, इसका कारण है पृथ्वी की गोल आकृति। पृथ्वी की गोल आकृति होने के कारण सूर्य की किरणें पूरे पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती, जिस कारण जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस भाग पर दिन होता है, तथा जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती हैं उस भाग पर रात होती है। बच्चों अब आपका प्रश्न आ गया, दिन व रात किस प्रकार होते हैं, एक दिन किसे कहते हैं। धन्यवाद। बस कुछ नहीं हो रहा।